वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ, इस बार कोई इवेंट के लिए नहीं, घर भी नहीं जा रहा हूँ। इस बार मैं पंजाब क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा जो कॉलेज है, मैंने पंजाब से कंप्लीट किया था, दैट वाज फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया। डिग्री कंप्लीट कर लिया था, बट अभी तक मुझे अपना डिग्री मिला नहीं था। सो कॉन्वोकेशन जो सब लोग यू नो वो देखते हैं ना कि वो टोपी उड़ाते हैं यूजुअली मूवीज में एंड ऑल, जो मैंने देखा है वो अभी तक मेरे लाइफ में हुआ नहीं था। कोई बहुत बड़ा रिग्रेट बन के रह जाता है यार। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, लेट्स बिगिन द व्लॉग गाइस। दो साल पहले आए थे ना, सब कुछ बदल चुका है, हम वही लोग। इतने सारे मेमोरीज हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब भी हैं। चोरी हो गया था, आई लेफ्ट माई लैपटॉप बैग इन फगवाड़ा स्टेशन, ऐसा भी हुआ है। और थोड़ा मैं जब भी ट्रैवल करता था, मम्मी को डर लगने लग गया था कि यार मैं जब भी कुछ ट्रैवल करने लगता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं खो ही देता हूँ, या तो अच्छे मेमोरीज। और यहाँ से हमेशा कॉलेज जाते थे, एक्साइटमेंट एवरीथिंग, वापस से कॉलेज जा रहा हूँ तो वापस से उन चीज़ों को रिलीव करने मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो वो क्लासेस अगर होता तो पॉसिबल होता, हम लोग सेम क्लास में नहीं थे, सबके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज थे, बट हम लोग रूममेट्स थे हॉस्टल में। एंड हॉस्टल लाइफ का तो अलग ही रंगीन मजे हैं। मतलब मैं चाह रहा था कल 29 तारीख है, कल हमारा सेरेमनी है, तो पहली बार तो सेरेमनी कैंसिल हो गया, तो अलग ही चीज़ हो रहा है। बट स्टिल क्योंकि कॉलेज में बोला कि जिन लोगों ने प्री ट्रैवल बुक कर लिया है वो आए, सर्टिफिकेट पिकअप कर लें, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ये अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी हम लोगों ने इतने सारे स्वॉट एनालिसिस कर दिया है। सो दिस इज़ बेसिकली स्वॉट एनालिसिस कि हम लोगों के पास टाइम कितना बचेगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। सोते हुए दोस्त का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उसका आइसक्रीम ढाप लिया, मेरा खत्म हो चुका है, सेकेंड आइसक्रीम खोल लिया। What's up guys, good morning, and आज है the big day, the convocation day, तैयार हो रहा है, ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जो कल पहन के आया था वही पहन के जा रहा है। पूरा कॉलेज सेमेस्टर, सारे कॉलेज के एग्जाम सेमेस्टर, अपने इंटरव्यू भी यही पहन के गया था। Still the same, मतलब कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, एवरी वाइब इज सेम। This is our college UD hospital, this is our auditorium. आप इसे उल्टी भी मारी थी। ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये वाला बिल्डिंग, दिस इज द यूनी मॉल, मतलब ये कॉलेज का मॉल है। डिबेट्स वगैरह, आउट सेशन क्लासेस यहीं पे होते हैं। चीजें करने हैं, रोप्स कलेक्ट करने हैं, हमें हमारे ड्रेस कोड कलेक्ट करने हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस, यहीं पे 3 साल गुजारा है मेरा, यहीं पे। पहले वी नीड टू कलेक्ट आवर रोब्स, मतलब जो ड्रेस कोड है, करके उसके बाद आई थिंक कुछ ऑडिटोरियम में फंक्शन है, उसके बाद आई थिंक वी विल गेट आवर डिग्रीज। आई फील यहाँ से हम लोगों ने सब कुछ शुरू किया था, स्कूल एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देता है, कॉलेज आपको एक अलग लेवल पर ला करता है, स्पेशली जब आप घर से दूर आके ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। मेरे लिए आई मीन दिस कलेक्टिंग दिस रोप बहुत मेरे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, सो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सर फॉर सिक्योरिटी की मौका दिया, वापस से आके वी कुड हैव रिलीव दिस मोमेंट। ये वाला रूम था 921, वेरी इमोशनल, कुछ नहीं कह सकता मैं। बाद में आई डोंट नो कि मौका का कभी मिलेगा कि नहीं, आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यू जस्ट वॉच एंड एंजॉय। आई एम लाइक मैं अभी ये मोमेंट पे जी रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। वापस कब भी अंदर आने का मौका मिलेगा आई डोंट नो। हम लोगों को बंगाली खाना मिलता था, तो भी ये हैड टू कम हियर एवरी डे, घर नहीं जाते थे हम लोग 5-5, 6-6 महीना। इस बार हॉस्टल हम सबका हॉस्टल था, इतने दिन बाद इतना वॉक करके थक गया हूँ भाई, एटीएम में आके बैठ गया भाई।
ज्यादा पढ़ाई से देखना पड़ेगा बैचलर ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंस भाई पढ़ाई तो भाई ने किया भाई मार्कशीट ये नहीं दिखा ये लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कि क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे डिग्री मिल चुका है कॉन्वोकेशन इज डन यहाँ से हम लोग अमृतसर निकलेंगे रिस्ट गोल्डन टेम्पल अभी गोल्डन टेम्पल का दर्शन वाहेगुरु के का दर्शन भी यहीं पे हो जाएगा बट ये पहले दिन जब मैं कॉलेज आया था दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे मैं बैठा था मम्मी छोड़ के गई थी एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग सिटिंग हियर मैं रो रहा था नॉट इवन जोकिंग यहीं पे बैठ के रो रहा था आज यहीं पे बैठ के आई वॉन्टेड टू फिनिश द व्लॉग यहीं पे यहाँ यहीं से लास्ट टाइम के लिए हंस के निकल रहे हैं सब लोग एवरीबडी स्माइल सब लोग शायद अप्स एंड डाउन सारे ब्रेकअप की कहानियाँ सारे झगड़े सारे खुशियाँ सब कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे विजिटिंग गोल्डन टेम्पल इज ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट आई मीन एक्सपीरियंस समझा नहीं सकता अभी के लिए वी हैव लिटिल शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग दौड़ रहे हैं लिटरली हो चुका है दर्शन वॉट आई वॉन्टेड एवरी थिंग विच वी वॉन्टेड सब कुछ हो चुका है बस वन लास्ट थिंग इज लेफ्ट वो भी शायद हो ही जाएगा दिस इज वन लास्ट टाइम और गेमिंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिलते हैं अगले कोई ब्लॉग में एंड एज आई ऑलवेज से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और कभी भी ऐसा मौका मिला ना कॉलेज जाने का फैमिलीज के साथ दोस्तों के साथ टाइम बिताने का मेक श्योर कि यू डोंट मिस आउट गाइस